अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ब्रोसेस रिएक्शंस। और आज हम देखने वाले हैं तुमसे ए मुजाहिदो बाय जुनेद जमशेद। तो जो मैंने सॉन्ग सुना था इनका, वो था दिल दिल पाकिस्तान, और इतना ब्यूटीफुल था वो। फिर इससे पहले एक हमने और भी सुना था ना इनका, इनका एक और गाना ही था वो, जो भी ये पॉप कल्चर को काइंड ऑफ फॉलो करते थे। हाँ। और वैसे आर्टिस्ट थे जो बिल्कुल हिप हॉप टाइप के गाने नहीं गाते, बिल्कुल वैसे ही थे वो। इतना लुक उनका इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि हाँ ये जुनेद जमशेद ही है या कोई और है। तो आज हम इनका ये वाला सॉन्ग सुनने वाले हैं जो आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि हम इसको ज़रूर सुने, तुमसे ए मुजाहिदो बाय जुनेद जमशेद। सो लेट्स बिगिन। सोच बैंड ये जीवन है, कुछ करना एयरफोर्स के ऊपर है तो कर गुजरो। हर लम्हा बस उड़ना है आसमानों से। ये वही बच्चा है। ओ। बीट्स बहुत बढ़िया रहती है इसकी हमेशा से। तुम्हारी सोए दिल नशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है बकाम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो काम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो लाइन अच्छी थी, बहुत अच्छी है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हाँ। ये सुना है हम एक हैं, वो तो हमने सुना है कोक स्टूडियो की तरफ से। सांझी अपनी खुशियाँ, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता था, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है। ये भी सॉन्ग इसमें ऐड कर दिया। बहुत जबरदस्त। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता। सारे गाने मिक्स कर दिए इसने क्या? सारे फूल एक लड़ी में
लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है, हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान है। हाँ, तुमसे है मुजाहिदो, और फिर अभी जो गाया था वो भी इन्हीं का ही है, जो इससे पहले गाया उन्होंने। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। जुनैद जमशेद साहब भी बिल्कुल अपनी एक छाप छोड़ गए जो आने वाले बहुत लंबे समय तक मतलब याद रहने वाली है। इनकी हर नगमे, हर गाना, हर एंथम जो इन्होंने गाया है इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने एक मिक्स अप बनाया है इसका, जो कि उनके खुद के ही गाए हुए थे, जो कि खुद के गाए हुए थे, और इतना प्यारा लगा है ये, बहुत ही अच्छा था। हाँ, और इनका इनकी जो आवाज़ है ना, जब हमने बहुत पहले एक रिएक्शन दिया था जिसमें इनकी जो यंग एज थी, हाँ, उसमें इन्होंने वो सॉन्ग गाया था, बहुत ही ज़्यादा पॉप सॉन्ग था वो, रॉक सॉन्ग, तो वो सुनने के बाद उसमें उन्होंने ये वाला सॉन्ग भी ऐड कर दिया, लेकिन वो मुझे थोड़ा बहुत याद भी था। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें सुने हुए टाइम हो गया। हाँ, तो एक दो लाइंस थोड़ी सी कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्टिल वो वर्डिंग्स जो होती है ना वो कमाल कर जाती है, तो वो दिमाग पे रहती है कि हाँ हमने सुना है। हाँ, एक जो उसकी जो एक मेन लाइन होती है ना वो थोड़ी बहुत याद रह जाती है। बाकी दिल दिल पाकिस्तान तो हमने सुना था, जो इतना प्यारा इन्होंने गाया था कि अगर कोई भी एंथम है ना उसके लिए चला, कोई भी क्रिकेट हो रहा है कहीं पर या कुछ भी हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे भी है, तो वहाँ पे भी अगर ये चलेगा ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ जो पता है ये लगती है कि इन्होंने इस तरीके के एंथम इतने ज़्यादा बना रखे हैं कि हाँ, हर तरीके से आप ISPR चैनल्स पे भी देख सकते हो, आप जुनैद जमशेद साहब को जो चैनल उस पर देख सकते हो, यंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इस तरीके के गाने बनाते ये, हैं। सोचो ये कब से बनते आ रहे होंगे, चाहे कितने ढेर सारे से बनते होंगे, लाखों सॉन्ग्स अब तक बन चुके होंगे, चाहे वो आर्मी के ऊपर बनाए गए हैं, इन्होंने एयरफोर्स पे बनाए हैं, नेवी पर भी बनाए हैं, हर किसी के ऊपर हजारों हजारों सॉन्ग्स बना बना करते हुए गाने बनाना और उनके लिए जज्बा पैदा करना, साथ ही जो लोग उनको देख रहे हैं उनके लिए भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो और एक जज्बा पैदा हो कि हाँ ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो और हमें वो भी मोटिवेट हो रहे हैं अपने काम को करने के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हर किसी के लिए स्पेशली एक सॉन्ग बनाया जाता है। बेशक, और सबसे ज्यादा सॉन्ग तो मैंने इसी कंट्री में ही सुने, सबसे ज्यादा यही पर ही सुने कि कोई आर्मी को डेडिकेट करते हुए या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को डेडिकेट करते हैं, इतने ज्यादा गाने बनाए गए हों, नगमे बनाए गए हों, और कब से बनते आ रहे होंगे, आई डोंट नो, हमें ये भी नहीं पता कि हमने शायद जो सुने हैं शायद 1% भी नहीं है, हमने जितने सुने वो 1% भी, हाँ 1% भी नहीं होगा ना, बहुत टाइम से बन रहे हैं सॉन्ग, कितना ही पुराना उठा के देख लो कोई भी वीडियो तो उसमें भी एक ऐसे सॉन्ग और नए आ जाते हैं। हाँ, अभी आने वाले साल में भी पता नहीं कितने सारे इतने इस तरीके के नगमे आने वाले हैं, और हम और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इस तरीके के जो नगमे आएंगे हम उन पे भी रिएक्शन दें। बिल्कुल। सो गाइस, ये था आज का हमारा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। जुनैद जमशेद साहब के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो मोस्टली पैट्रियाटिक ही होते हैं, पहले कभी वो रोमांटिक और थोड़ा रॉक सॉन्ग हुआ करते थे, बट अब जो हम सुन रहे हैं आफ्टर जब उन्होंने जो अपना जो कन्वर्ट हो गए थे या जो कह सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया था, तो उसके बाद हमें पैट्रियाटिक सॉन्ग्स ही सुनने के लिए मिले हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और इतनी ही प्यारी आवाज़ भी है उनकी। सो बहुत मज़ा आया सुनकर। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।